क्या हाल चले दोस्तों, आ गए एक और नई कमाल की सोलो कॉन्करर रैंक पुशिंग गेम प्ले वीडियो के साथ वापस। और इंट्रो जिसको भी अच्छा लगा हो एक सब्सक्राइब करके एक सपोर्ट दिखा सकते हो, क्योंकि हम 1K के काफ़ी ज़्यादा क्लोज है। तो उम्मीद करूँगा कि आप थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ हमें भी, कि अपना जो सब्सक्राइबर का जो नंबर में आ रहा है वो थोड़ा वर्ड में हो जाए, वर्ड में, क्योंकि काफ़ी अच्छा लगता है। तो अगर सब्सक्राइब कर सकते हो तो कर देना अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है। तो फिलहाल बात करते इस वाले गेम प्ले की, और इस गेम प्ले में तुम्हारे भाई ने चिकन निकाला है, तो मतलब वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आपको इसमें सर्वाइवल किल वगैरह जो कैसे एंड में निकालते हैं और कैसे रोटेशन वगैरह लेते हैं वो सब सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। फिलहाल तो एक किल मेरे ऑलरेडी हो चुके थे और यहाँ पे एक बोट आ गया, तो जिसके साथ 2 किल हो गया। अब देखो यहाँ पे जोन के मैं बाहर था, क्योंकि ना मैं काफ़ी देर से 2-3 मैच खेला था, तो मतलब रस के चक्कर में मतलब मर ही जा रहा था, कभी पीछे से कभी आगे से थर्ड पार्टी वगैरह में, तो चिकन हो नहीं पा रहा था। तो मैं सोचा इस वाले मैच में हम चिकन के लिए खेलेंगे, क्योंकि अब गेम प्ले भी तो अपलोड करना है, तो उसी के लिए। और मैं आ जाता हूँ ये जो जॉर्ज पुल का पुल है, यहाँ पे ब्रिज जो इसको बोलते हैं, तो यहाँ पे मैं कैंप करने आता हूँ। हालांकि यहाँ पे मेरा कट जाता है, यहाँ पे कोई बंदा ही नहीं आता, तो यहाँ पे मैं काफ़ी देर वेट करता हूँ। और जोन भी आ गया था तो मुझे सामने के साइड एक ड्रॉप दिखा था, तो मैं सोचता हूँ कि लूट लेता हूँ, क्योंकि साइड कोई बंदा है नहीं तो मैं लूट सकता हूँ। अब देखो हालांकि यहाँ पे मेरे साथ एक और बंदा आया था, अब देखो इस वाले ये जो बंदा था इसके साथ मैं कब से पकड़म पकड़ाई खेल रहा था चूहा बिल्ली का खेल, क्योंकि ये भी ड्रॉप लूटने आया था, मैं भी लूटने आया था, बट कोई ड्रॉप लूट नहीं रहा था, एक के पीछे एक मतलब चले जा रहे थे। और यहाँ पे मेरी बग्घी ठुक जाती है जिसके कारण मैं उतर जाता हूँ, और ये बंदा भी फाइट लेने को रेडी हो जाता है, ये भी आ जाता है। तो वो पार्ट तो मैं कट कर दिया हूँ, कि काफ़ी देर से मैं ऐसे ही आसपास से घूम रहे थे, वहाँ पे मौका मिल नहीं रहा था कि हम मारे। तो फिलहाल जैसे तैसे इसको भी निपटा देते और इससे थोड़ा लूट वगैरह ले लेते। अब यहाँ पे मेरे को जोन में जाना था, तो मैं सोचता हूँ कि चलो कोई सेंटर होल्ड करते हैं। फिलहाल आता हूँ इस वाले जगह पे, क्योंकि ये पूरा सेंटर में था। और बता दूँ फिलहाल मैं अभी प्लेटिनम 1 के आसपास हूँ, और आज मैं शायद डायमंड 5 या डायमंड 4 कर लूँ, तो देखते हैं मतलब कॉन्करर कितने दिन में होता है अपना, ट्राई करेंगे जल्दी हो जाए। और यहाँ पे आने के बाद देखना मतलब क्या सीन होता है। यहाँ पे मैं थोड़ा आता हूँ होल्ड करने, मैं सोचता हूँ कि यहाँ पे अगर कोई बंदा आएगा रस करेगा तो हम इसको ईजिली मार देंगे। तो यहाँ पे एक पीछे के साइड से बग्गी आती है, हालांकि ये बंदा यहाँ पे आता नहीं है मेरे पास, और ये साइड से निकल जाता है, और मैंने इसको हेड मार के डैमेज भी कर दिया था। अब मैं एक टाइम को सोचा था कि चलो इस पे रस कर देते हैं, बट अब लास्ट जोन था, कहीं भी बंदे हो सकते थे, तो मैं यहीं पे होल्ड करना सही समझता हूँ और यहीं पे रुक जाता हूँ थोड़ी देर तक। अब यहाँ पे क्या सीन था कि मैं यहाँ पे थोड़ा लेटता हूँ तो मुझे बैंडेज लगाने टाइप का कुछ साउंड आता है, तो मैं सोचता हूँ कि क्या पता कोई बंदा कैंप कर रहा हो साइड वाले घरों में, क्योंकि यहाँ पे कोई व्हीकल नहीं थी, क्या पता उस बंदे के पे व्हीकल ना हो तो यहाँ पे कैंप कर रहा है आराम से चुपचाप। तो मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि छोटे से कोने में क्या पता हो, और मैं एक ट्राई भी करता हूँ नेट फेंक के कि अगर कोई बंदा हो तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा किल मिल जाए अपने को, बट यहाँ पे कोई बंदा होता नहीं और मैं अपना नेट वेस्ट कर देता हूँ। अब ये मतलब नेट जो भी था मैं यहाँ पे खाली पीली फेंका, तो इसका घाटा भी होने वाला था आगे चल के मेरे को। तो फिलहाल देखो यहाँ पे मैंने फेंका, कुछ नहीं हुआ। अब मैं सोचा कि सामने वाले घरों पे एक बार ट्राई कर लेता हूँ, क्या पता अब बंदा हो, क्योंकि मुझे बस बैंडेज लगाने का साउंड आया था, थोड़ा फुट स्टेप आता या तो चलने का साउंड आता तो अच्छा भी रहता। तो मैं सामने के साइड एक ग्रेनेड ट्राई करता हूँ, और तभी ग्रेनेड फेंक ही रहा होता हूँ तभी एक डासी आ जाती है, तो उससे देखो 1v1 फाइट काफ़ी देर तक चलती है। हालांकि मैं वीडियो थोड़ा कट कर देता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और आप लोग को भी बोर ना लगे। एक रैंडम ग्रेनेड फेंकता हूँ उस साइड, मैं सोचा कि क्या पता इस साइड आके पिक करे अगर मुझे मारने की ट्राई करेगा तो। हालाँकि मुझे ऐसा लगता है कि वो चल के आया है 40 स्टेप से, बट वहाँ पर मेरा ग्रेनेड थोड़ा आगे के साइड चला गया था। अब इस बंदे के पास होता है ग्रोजा, अब मेरे पास होता है यूजी, तो अब देखो मतलब ग्रोजा वर्सेस यूजी। अब सामने वाले घर में वो बंदा आ गया था, तो मैं एक नेट ट्राई करता हूँ, हालांकि नेट हल्का सा आगे था, और यहाँ पे मैं थोड़ा चूक गया क्योंकि सेलेक्ट हुआ नहीं गन मेरे पे टाइम पे, तो यहाँ पे मैं चलो छोड़ो। अब ये बंदा इस स्प्रे को देख के कतई मुझे चूतिया समझ लिया था। अब ये गलती देखो क्या करता है बंदा, एकदम मेरे सामने ओपन से भागता है, अब
मैं यहाँ पे देख ही रहा था कि अगर वो बंदा पिक करे अगर मुझे मारने को तो मैं उसको मार दूँ। हालांकि यहाँ पे मुझे दिखता नहीं है कि वो मतलब क्रॉस कर रहा है या मेरे सामने वाले घर से, बस मुझे साउंड आता है कि हाँ भाई कोई दौड़ रहा है। तो अब देखो कतई इजी निपटा दिया इसको भी यूजी के साथ। तो अब देखो सीन यहाँ पे क्या था, जोन था बिल्कुल छोटा। अब वो जिसको मैंने मारा था उस पर स्मोक वगैरह करके मैंने उसका ग्रोजा ले लेता हूँ क्योंकि एंड में थोड़ा काफ़ी ज़्यादा काम आएगा। और राइट साइड से फायर होता है, एक बंदे ने इस कारल से किसी को मार दिया और कुल मिला के जोन में तीन बंदे बचे हुए थे, तो मैं जाता हूँ उसी साइड से। अब देखो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे वेट करता हूँ जोन बनने का, क्योंकि जोन अगर टच होता मैं इधर जोन समझ के रुकता तो दिक्कत हो जाता, क्योंकि खैर कोई ज़्यादा बंदे बचे नहीं थे। तो मैं सोचता हूँ कि चलो वेट करते इस वाले जोन का। और ये देखो जैसे ही जोन कटता है वैसे ही मैं सोचता हूँ कि चलो पोजीशन ले ले। अब जोन कट गया था जोन, अब मैं सोच रहा था कि चलो कोई अच्छी सी पोजीशन होल्ड कर लेते, तो मैं सोच रहा था कि कोई अच्छी सी रिच या ट्री वगैरह या स्टोन कोई मिल जाए थोड़ा ऊंचाई पे, तो मैं वहाँ से चिकन निकाल सकता हूँ। हालांकि यहाँ पे कोई दिख नहीं रहा था और ऊंचाई पे भी मैं था, तो यहाँ पे थोड़ा मेरे को बढ़िया लग नहीं रहा था, तो मैं पोजीशन के चक्कर में था। अब आगे की साइड एक बंदा होता है बट मुझे वो ना उसकी बग्घी दिखती है ना वो, यहाँ से क्रॉस करता हूँ, हल्का सा साउंड आता है कोई चला, और इसके पास होता है MG3। हालांकि उसने डैमेज दिया और यहाँ पे मेरी बग्घी हो जाती है स्लिप। और भाई जैसे तैसे इस बंदे को मार देते हैं, मेरे को लगा था यहाँ पे कि गया मेरा मैच क्योंकि मेरी बग्घी स्लिप हो गई थी। तो जिसको भी ये वाला किल अच्छा लगा हो यार एक सब्सक्राइब करके सपोर्ट दिखा सकते हो मुझे। अब देखो सीन क्या था कि यहाँ पे कुल मिला के दो बंदे बचे थे, एक मैं था एक एनिमी था। मैं अपने ड्रेस वगैरह खोल देता हूँ और जोन एकदम स्टार्ट हो गया था, तो अब मुझे जाना था जोन में। अब मैं सोचा था कि सामने के साइड जो ऊंचाई पे है पेड़ उसके पास जाऊँगा, हालांकि वहाँ पे 2-3 मीटर दूर था जोन, तो वहाँ से मैं घूम जाता हूँ। और लकली मुझे एक अच्छा सा ट्री मिल जाता है, मतलब ट्री बोल रहा हूँ स्टोन मिल जाता है, तो यहाँ पे मैं ब्रेक मारता हूँ बट मेरी बग्घी आगे की साइड चली जाती है। तो खैर यहाँ पे मुझे क्या लग रहा था कि बंदा होगा तो आगे की साइड, बट एक टाइम पे मेरे को शक भी लग रहा था कि पीछे से अगर बंदा हो तो मुझे मार सकता है। तो अब देखो सामने के साइड कुछ मुझे शो होता है कि मैं सोचा उस टाइम कि वहाँ पे बंदा है, बट मैं कंफर्म कर रहा था कि हाँ भाई बंदा है कि नहीं है, और मेरे से रहा नहीं जाता, मैं फायर भी कर देता उस पर, तब पता चलता है कि भाई वो तो बग्घी बोल रहा हूँ बाइक है। बट अब देखो जोन का वेट कर रहा था, जोन एकदम क्लोज हो गया था, तो मैं पहले आपने पीछे देख रहा था कि मेरे पीछे ना हो बंदा। हालांकि मुझे इतना तो पता था कि मैं आया हूँ, अगर बंदा होता तो फायर तोड़ लेता, बट फिर भी एक अपने सेफ्टी के लिए चेक कर लिया था। अब जोन भी एकदम पूरा टच हो गया था तो मेरा पीछे से एकदम क्लियर था। अब मुझे बस आगे की साइड देखना था कि आगे बंदा है कहाँ, और मैं देखता भी बंदा बट मुझे दिखता ही नहीं है सामने की साइड क्योंकि पूरा ओपन था, अगर होता तो दिख जाता। तो मैं एक रैंडम ग्रेनेड करता हूँ सामने वाले ट्री पे, बट जैसे मैं नेट करता हूँ तो बंदा लगड़ते हुए दिख जाता है मुझे। अब मैं पहले आराम से देखता हूँ कि बंदा है कहाँ, और भाई इसी के साथ इसको निपटा देते हैं। तो अपना चिकन हो जाता है और इस वाले गेम प्ले में अच्छा खासा अपने को 28-29 का कुछ ऐसे ही प्लस मिलता है। तो आई होप सो ये वाला गेम प्ले आपको अच्छा लगा होगा, तो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना, साथ ही चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं कल के वीडियो में, आज के लिए बाय।